हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी के फार्मा हब। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये जो है इसमें दो टर्म हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत हम लोग जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ये होती है एनाटॉमी। द वर्ड एनाटॉमी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एना मीनिंग अप एंड टॉम मीनिंग अ कटिंग। एनाटॉमी जो शब्द है ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है, कौन कौन, एना और टॉमी। एना का मतलब होता है अप और टॉमी का मतलब होता है कटिंग। फादर ऑफ एनाटॉमी इज रिफर्ड एज एंड्रियस विसेलियस। एंड्रियस विसेलियस को फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। अब आते हैं हम फिजियोलॉजी पे। इन द फिजियोलॉजी वी डील्स विद द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट बॉडी सिस्टम एंड इंट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर। अगर हम लोग एनाटॉमी को पढ़ लिए हैं, किसी अंग के बारे में जान लिए हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि उसका काम क्या है। उसका स्ट्रक्चर जब हम लोग जानकारी कर लिए तो अब उसके काम के बारे में भी जानना जरूरी है। तो क्या लिखा है, इन द फिजियोलॉजी वी डील्स विद द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट बॉडी सिस्टम एंड इंट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर। जो भी ऑर्गन्स हैं उनका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरह से वर्क करते हैं और एक दूसरे से उनका क्या इंट्रैक्शन है, एक दूसरे से क्या उनका जोड़ है, क्योंकि सभी ऑर्गन्स जो होते हैं एक दूसरे के लिए ज़रूरी होते हैं, एक दूसरे से इंट्रैक्टेड होते हैं। इन द फिजियोलॉजी वी विल डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ बॉडी सिस्टम एंड देयर एक्टिविटीज। फिजियोलॉजी में हम लोग और क्या डिस्कस करते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ बॉडी सिस्टम। बॉडी में कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवे हैं और उनकी क्या एक्टिविटीज है। आइए अब जानते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के स्कोप क्या क्या हैं। ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी के कौन कौन से ब्रांच हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी, जिसे एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। इन दिस ब्रांच ऑफ एनाटॉमी वी डील्स विद द स्ट्रक्चरल चेंजेज एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल गैमेट्स एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये जो है एनाटॉमी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्ट्रक्चरल चेंजेज, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेज आ रही है उसके बारे में पढ़ते हैं, और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव हो रहा है, कैसे वो डेवलप कर रहा है। जैसे सेक्सुअल गैमेट्स एंड एम्ब्रियो, जो गैमेट्स होते हैं और एम्ब्रियो, ये कैसे डेवलप कर रहे हैं। सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज, एम्ब्रियो जो होता है इसका सिक्वेंशियल डेवलपमेंट क्या है, वो है गैमेट फॉर्मेशन। सबसे पहले होता है गैमेट का फॉर्मेशन, देन फर्टिलाइजेशन, गैमेट फॉर्मेशन, देन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फैलोपियन डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज ईग, देन इम्प्लांटेशन, देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, देन फेटस डेवलपमेंट। सबसे पहले हमारे गैमेट बनते हैं, जैसे स्पर्म और ओबा, वो दोनों जब मिलते हैं तो फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद वो फैलोपियन डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज ईग, जो फर्टिलाइज ईग होती है उनका फैलोपियन डेवलपमेंट होता है। देन उनका इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। देन फेटस जो होता है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देता है।
सेल बायोलॉजी, इन द सेल बायोलॉजी वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेज एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन और सेल डेवलपमेंट। हम लोग सेल बायोलॉजी के अंतर्गत, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं, अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेज, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव हो रहा है, उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान और सेल के डेवलपमेंट के दौरान। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, लिविंग थिंग का। कोई भी लिविंग थिंग्स है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है पार्ट वो होता है सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स। हिस्टोलॉजी, आइए जानते हैं हिस्टोलॉजी क्या है। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेज एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, टिश्यू में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेज आ रहे हैं, उनमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है, यह हम हिस्टोलॉजी में जानते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो यहाँ है सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, जो सेल सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं या फिर उनका ओरिजिन सेम होता है और कैसे एक्ट करते हैं, साथ साथ परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और उनका फंक्शन जो होता है सेम होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एक विशेष फंक्शन होता है, वो होते हैं टिश्यू। कौन कौन से टिश्यू होते हैं, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये आपके चार टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं, कौन कौन, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आइए चौथा पॉइंट जो है एनाटॉमी के स्कोप में, ग्रास एनाटॉमी। इन द ग्रास एनाटॉमी वी डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी डैट विजिबल टू नेक्ड आई, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रास एनाटॉमी में हम वो इस ग्रास एनाटॉमी में जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर को, जो विजिबल होते हैं कैसे, नेक्ड आई से, बिना किसी माइक्रोस्कोप के, जिन्हें हम देख सकते हैं अध्ययन कर सकते हैं, वो ग्रास एनाटॉमी में आता है। इसको माइक्रो MSCRO माइक्रो SCOP माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। ग्रास एनाटॉमी को दूसरा क्या नाम दिया गया है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोमिस जो बड़े हों। टोपोग्राफिक एनाटॉमी, इन दिस ब्रांच वी डिस्कस अबाउट लेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन स्किन एंड इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स नर्व एंड आर्टरीज इट इज कॉल्ड ए सरफेस एनाटॉमी। हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, डिस्कस अबाउट लेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी के पार्ट में कौन कौन से लेयर हैं, उनका प्रोजेक्शन क्या है, वो कैसे कहाँ एडजस्ट है, कहाँ उनका लोकेशन है, प्रेजेंट ऑन द स्किन, स्किन के किस पार्ट पे में प्रेजेंट है, एंड इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, वो कैसे मसल्स से इंटरकनेक्टेड हैं, नर्व एंड आर्टरीज और नर्व आर्टरीज से कैसे अटैच हैं, इट इज कॉल्ड एज सरफेस एनाटॉमी। उसे क्या कहते हैं, सरफेस एनाटॉमी। जैसे टॉपिकल एजेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हम लोग सरफेस पे यूज करते हैं वो होते हैं टॉपिकल एजेंट, और यहाँ क्या है टोपोग्राफिक, ये भी क्या है टोपो या टॉपिकल, ये जो है रिलेट करते हैं सरफेस से या स्किन से हमारे। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बाई यूजिंग रेडियोग्राफिक टेक्निक इज नोन एज रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। जब हम लोग किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को रेडियोग्राफिक टेक्निक के द्वारा हम लोग देखते हैं तो उसे कहते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। इन दिस
प्रोसीजर एक्सरे आर यूज फॉर द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट इनटू टू डायमेंशन इमेज। इसमें क्या होता है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में जो 3D स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या करते हैं टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर को परफॉर्म करते हैं कैसे एक्सरे के द्वारा। सिस्टमिक एनाटॉमी, इन द सिस्टमिक एनाटॉमी वी डील्स विद 11 डिफरेंट बॉडी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। सिस्टमिक सिस्टम से लिया गया है, जैसे हमारी बॉडी में कितने सिस्टम हैं वही है सिस्टमिक एनाटॉमी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 11 बॉडी सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में, कौन कौन हैं, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जिन्हें कहते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फैटिक और इम्यून सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा जो स्कोप आप एनाटॉमी था वो ख़त्म हुआ, स्कोप आप फिजियोलॉजी या ब्रांच आप फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ सेल फंक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड इंट्रैक्शन ऑफ सेल विद ईच अदर इज कॉल्ड सेल फिजियोलॉजी। सेल का क्या फंक्शन है, उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है और उसका इंट्रैक्शन क्या है एक दूसरे से, उसे हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, सेल फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब ही होता है वर्किंग प्रिंसिपल, हम पहले ही डिफिनेशन बता चुके हैं कि फिजियोलॉजी में हम लोग किसी भी ऑर्गन या सेल टिश्यू के फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी स्टडी ऑफ हार्मोनल सब्सटेंस एंड देयर फंक्शन हाउ टू कंट्रोल आवर बॉडी इज नोन एज इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ते हैं, हार्मोनल सब्सटेंस एंड देयर फंक्शन, जिसमें हम हार्मोनल सब्सटेंस और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं और वो हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं उसको किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, इंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन, जो न्यूरॉन के हम अध्ययन करेंगे कैसे उसका फंक्शन है उसको हम न्यूरोफिजियोलॉजी में अध्ययन करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, स्टडी ऑफ नर्व सेल एंड देयर फंक्शन इज कॉल्ड न्यूरोफिजियोलॉजी। जब हम लोग नर्व सेल और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो कौन सा ब्रांच कहलाता है, न्यूरोफिजियोलॉजी। इट इज आल्सो नोन एज मैसेंजर फिजियोलॉजी। हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं ये मैसेज को कन्वे करते हैं, इसलिए इन्हें और कौन से नाम से जाना जाता है, मैसेंजर फिजियोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम जानते ही हैं आप लोग, तो इम्यूनोलॉजी जहां हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म इन आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट। हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट किसके, डिजीज काजिंग, जो हमारे बॉडी में डिजीज काज कर रहे हैं उनके अगेंस्ट क्या डिफेंसिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, एंड एजेंट आर ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन एज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। या फिर जब डिजीज है तो हमारी बॉडी उसके विपक्ष में या उसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले रही है ये हम लोग पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, कार्डिया जो है हार्ट से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज नोन एज कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर में क्या है, कार्डियो मीन्स हार्ट और वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स या ब्लड वैस्कुलर। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्या है और फंक्शन क्या किसका, हार्ट का और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का। रिस्पायरेटरी सिस्टम, स्टडी ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ लंग्स एंड एयर पासेस वे इज नोन एज रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी। रिस्पायरेटरी आप लोग जानते हैं रिस्पायरेशन से रिलेटेड है, तो रिस्पायरेशन हमारा जो है लंग्स के लिए होता है, मीन्स लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है और उसका कार्य क्या है।
ये हम लोग पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी, पैथो पैथोजन से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ फंक्शन चेंज ड्यूरिंग द डिजीज कंडीशन एंड एजिंग इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। जो हमारे डिजीज कंडीशन हैं या फिर एज ज़्यादा हो जाती है तो क्या चेंजेज आते हैं फंक्शन में, वो आते हैं किसमें, पैथोफिजियोलॉजी में। जैसे अगर कोई डिजीज होता है तो हमारे शरीर की फिजियोलॉजी चेंज कर जाती है, या फिर एजड हो जाते हैं तो भी हमारे शरीर की फिजियोलॉजी में बदलाव आता है, ये होते हैं पैथोफिजियोलॉजी। डिफिनीशन ऑफ वेरियस टर्म यूज इन एनाटॉमी। एनाटॉमी में कौन कौन से ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे एंटीरियर या वेंट्रल, डायरेक्शन टूवर्ड फ्रंट ऑफ द बॉडी। इंटीरियर सामने ही, हमारी बॉडी के जो सामने हो, सामने की तरफ डायरेक्टेड हो, वो होता है एंटीरियर पोर्शन। पोस्टीरियर या डॉर्सल, डायरेक्शन टूवर्ड बैक ऑफ द बॉडी। जब हम अपने बॉडी के बैक साइड पे देखते हैं तो वो क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर आगे और पोस्टीरियर पीछे, ये से हम लोग हिंदी में जैसे जानते हैं, ये से आगे और पीछे पीछे, ऐसे है हमारा इंटीरियर। तो इंटीरियर मीन्स फ्रंट, पोस्टीरियर मीन्स बैकवर्ड। सुपीरियर कहते हैं सुपर, सुपर मीन्स ऊपर, सुपीरियर में क्या पढ़ते हैं, या क्रेनियल टूवर्ड द हेड आर अपर हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी ऑफ प्रॉपर एग्जांपल हेड एंड नेक। जब हम लोग अपने बॉडी के उच्च हायर पार्ट पे, जिसे अपर आर हाईएस्ट, जो सबसे ऊपरे पार्ट की तरफ हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या होते हैं, सुपीरियर पार्ट। इसमें क्या आते हैं, हमारे हेड आते हैं और नेक आते हैं। इन्फीरियर पार्ट, सुपर तो ऊपर हो गया, इन्फीरियर जो है वो नीचे हुआ, अवे फ्रॉम हेड आर लोबर लोबेस्ट। जो हमारा इन्फीरियर पार्ट होता है, अवे फ्रॉम हेड, जो हमारे सर से दूर है, वो किस में आएगा, इन्फीरियर पार्ट में आएगा। एग्जाम्पल फिट जैसा हमारा पर, प्रॉक्सिमल एंड स्टार्टिंग एंड ऑफ द जॉइंट आर अटैचमेंट। जैसे हमारी कोई बोन्स है या कोई दूसरे पार्ट हैं तो जहाँ से स्टार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल एंड। जैसे कोई बोन्स हमारी हैं तो जहाँ से अटैच्ड होंगी मेनली और जहाँ से स्टार्ट होंगी, उस एंड को क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल एंड। डिजिटल एंड, वो उसका जो आगे का लास्ट का पार्ट होगा वो होगा डिजिटल एंड। एंडिंग ऑफ द जॉइंट आर अटैचमेंट द मोस्ट डिस्टेंट रीजन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड। जैसे मान लिया जाए हमारा जो फीमर है उसका जो अपर पार्ट होगा वो होगा क्या, प्रॉक्सिमल एंड, और उसका जो लोअर पार्ट होगा वो डिजिटल एंड। सिमेट्री रिलेटेड टर्म यूज इन एनाटॉमी। सिमेट्री से रिलेटेड कौन कौन से टर्म एनाटॉमी में यूज किया जाते हैं, कौन, ये सिमेट्रिकल, व्हेन द बॉडी पार्ट नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ बाय कटिंग एनी प्लेन। जब कोई भी पार्ट ऐसा है जिसको किसी भी भाग से काटने के बाद उसको हम दो बराबर भागों में नहीं कर सकते हैं या दो इक्वल हाफ में नहीं हम कटिंग कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, ये सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, व्हेन द बॉडी पार्ट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय कटिंग एनी रेडियल प्लेन। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, हम किसी भी एक प्लेन से कट करके अगर उसको सिमेट्री ले आते हैं, दो पार्ट सेम आ जाते हैं, इक्वल हाफ बन जाते हैं, तो उसको रेडियल सिमेट्री में हम लोग कंसिडर करते हैं। बायलेटर लेटरल सिमेट्री, व्हेन द बॉडी पार्ट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय कटिंग एनी वन रेडियल प्लेन। जब कोई बॉडी पार्ट है उनको हम एक किसी स्पेसिफिक रेडियल प्लेन से कटिंग करते हैं और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। और अगर उनको उसी स्पेसिफिक रेडियल प्लेन से नहीं कट करेंगे तो वो टू इक्वल हाफ में कन्वर्ट नहीं होंगे। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट एंड इंक्लूडिंग ऑर्गन्स इन एनाटॉमी। हमारे ऑर्गन्स
और उनका जो एब्डोमिनल क्वाड्रेंट है उनसे रिलेटेड कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं वो देख लेते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट जिसे शॉर्ट फॉर्म में RUQ कहते हैं, मीन्स अपर हमारे जो क्वाड्रेंट है एब्डोमिनल भाग का, उसमें राइट और अपर दाएं साइड में और ऊपर साइड का जो क्वाड्रेंट है, चार क्वाड्रेंट हम इसमें करते हैं, बीच से और एक खड़े में कट करेंगे और एक पट में करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कैसे करते हैं, अगर ये हमारा बॉडी है तो क्या होगा, ये वाले पार्ट, ये इसको हम किस में करते हैं, हाँ जो हमारा ये राइट और अपर पार्ट है इसको हम लोग लेते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट। इसमें क्या क्या आता है, गॉल ब्लैडर, मेजर पार्ट ऑफ लीवर, लीवर के मैक्सिमम पार्ट किस में आएंगे, राइट अपर क्वाड्रेंट में आएंगे। माइनर पार्ट ऑफ स्टमक, इसमें जो है थोड़ा सा पार्ट स्टमक का भी आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ पैंक्रियाज और कुछ पार्ट पैंक्रियाज के भी आएंगे। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, अब किस पे आते हैं, हम लोग इस पार्ट पे आते हैं, लेफ्ट बाएं साइड में है अपर ऊपर की तरफ। टिप ऑफ लीवर, इसमें लीवर की टिप आती है, स्प्लीन, प्लीहा भी इसी में आएगा आपका। मेजर पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक का जो मैक्सिमम पार्ट है वो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आएगा। आप लोग देखते होंगे जब स्टमक बनाते हैं तो वो लेफ्ट साइड में होता है। राइट लोअर क्वाड्रेंट RLQ जिसे कहते हैं, असेंडिंग कोलन, असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम, जो हमारा कोलन अब ऊपर की साइड बढ़ रहा है वो जो है किस में आएगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में आएगा। सीकम जो है वो भी किस में आएगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ राइट ओवरी, जो ओवरी फीमेल्स में पाई जाती है वो भी किस में आएगी, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। स्मॉल इंटेस्टाइन और यूटेरस, इसमें क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आएगा और यूटेरस गर्भाशय भी आएगा। अब हम लोग किस में देखते हैं, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में कौन कौन से आएंगे, जिसे LLQ भी कहते हैं, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये जो हमारा पार्ट है ये इसमें आएगा डिसेंडिंग कोलन, मिस जो हमारी बड़ी आंत है वो जब जाता है छोटी आंत से जहाँ अटैच होता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है वो होता है असेंडिंग, और जब ऊपर से फिर लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ता है वो होता है ट्रांसवर्स, पुनः जब नीचे की तरफ आता है तो होता है डिसेंडिंग कोलन। तो इसमें कौन कौन से होंगे, डिसेंडिंग कोलन होगा, सिग्मोइड कोलन होगा, लेफ्ट ओवरी होगी, उसमें क्या था, राइट क्वाड्रेंट में जो लोअर में था उसमें था राइट ओवरी, और इसमें क्या होगा, लेफ्ट ओवरी। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन भी आएगा, कौन इंटेस्टाइन, लोअर इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लेडर और एनस, ये किस में आएंगे आपके, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। एब्डोमिनल रीजन एंड इंक्लूडिंग ऑर्गन्स इन एनाटॉमी, एब्डोमिनल रीजन्स कौन कौन से हैं, ऑर्गन्स उसमें कौन कौन से हैं वो एनाटॉमी के किस टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, सम पार्ट ऑफ लीवर, राइट किडनी, गॉल ब्लैडर, पार्ट ऑफ लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हम लोग पढ़ते हैं सम पार्ट ऑफ लीवर, इसमें लीवर के कुछ पार्ट आते हैं, राइट किडनी आ जाता है, गॉल ब्लैडर जो है वो आ जाएगा, पार्ट ऑफ लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट आ जाएंगे। एपिगैस्ट्रिक रीजन, मेजर पार्ट ऑफ लीवर, स्टमक, एड्रिनल ग्लैंड, सम पार्ट ऑफ पेंक्रियाज, स्प्लीन एंड ड्यूडिनम, इसमें क्या क्या आएंगे, एपिगैस्ट्रिक रीजन में लीवर के मैक्सिमम पार्ट आएंगे, स्टमक आ जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड, ये कहाँ होता है एड्रिनल ग्लैंड, पता है किसी को, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये हमारे किस में पाया जाता है, किडनी के अपर पार्ट पे, सम पार्ट ऑफ पैंक्रियाज,
स्प्लीन और ड्यूडेनम, ये होते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लीवर टिप्स, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, सम पार्ट ऑफ लेफ्ट किडनी, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो होंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में मिलेंगे। राइट लंबर रीजन, इसमें कौन कौन से आते हैं, गॉल ब्लैडर, असेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट किडनी, ये सब जो आते हैं किस में आते हैं, राइट लंबर रीजन में आते हैं। अम्बेलिकल रीजन, ट्रांसवर्स कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम, और अम्बेलिकस जो जिसे अन्य नाम से नेवल से भी जानते हैं। लेफ्ट लंबर रीजन में कौन कौन आएंगे, डिसेंडिंग कोलन, लेफ्ट किडनी, ये किस में आएंगे, लेफ्ट लंबर रीजन। राइट इलियक रीजन, राइट इलियक रीजन में क्या आएगा, अपेंडिक्स, सीकम, स्टार्टिंग ऑफ असेंडिंग कोलन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। यूरिनरी ब्लैडर, सिग्मोइड कोलन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रेक्टस, एनस, ये सब जो आते हैं किस में आते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। लेफ्ट इलियक रीजन, इसमें क्या क्या आएगा, डिसेंडिंग कोलन, एनाटॉमिकल पोजिशन, द बॉडी इज इरेक्ट, द हेड फेसिंग टूवर्ड आर्म बाय द साइड एंड पाम्स ऑफ द हेड इन फेसिंग टूवर्ड इज कैंड एनाटॉमिकल पोजिशन, इसको आप लोग जब इमेज में देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो आप लोग, आपको अगर वीडियो समझ में आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लें जो बीके फार्मा हब के नाम से ही है। बीके फार्मा हब आपको यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाएगा। थैंक यू।